हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मलबेरी सिल्क दैट इज बॉम्बिक्स मोराई सो फ्रेंड्स अभी तक हमने सैरीकल्चर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है देन हमने सिल्क मौत के बारे में पढ़ा एंड वी आल्सो हैव रेड अबाउट द स्पीशीज ऑफ सिल्क ओके okay, जो हमने लास्ट वीडियो में समझी थी अलग अलग टाइप्स के होते हैं जिनमें मलबेरी सिल्कवम्स भी आ गए एंड नॉन मलबेरी सिल्कवम्स भी इंक्लूडेड है नॉन मलबेरी सिल्कवम्स मींस फ्रेंड्स ऐसे सिल्कवम्स जो मलबेरी लीव्स पर फीड नहीं करते हैं द सिल्कव्स दैट डू नॉट फीड ऑन मलबेरी लीव्स उनको हम नॉन मलबैरी सिल्कव बोलते हैं जिनमें टसारिल्कवम्स आ गए देन एरी हमने लास्ट वीडियोस में इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था ओके okay? जिनमें मैंने आपको बताया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिल्कवम है वो है मलबेरी सिल्कवम जो स्टार्टिंग जिसका नेटिव कौन सा चाइना है इट मीन्स नाव तो पूरे वर्ल्ड में है ये अभी तो पूरे वर्ल्ड में ही हमको ये मिल जाएंगे वर्ल्ड मीन्स इंडिया में भी है मलबैरी सिल्कव जिन्हें बॉम्बिक्स मॉरिंग तो हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट सिल्कों में तो हमें इसके बारे में पढ़ना है इसकी लाइफ हिस्ट्री पढ़नी है जिसमें हम पढ़ेंगे ये किस से इसकी लाइफ हिस्ट्री मीन लाइफ साइकिल कैसे ये एक से दूसरी स्टेज पे जाता है अपनी लाइफ में ओके सो लेट्स स्टार्ट द एडल्ट ऑफ बॉम्बिक्स मोराई इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड पेल क्रीमी वाइट इन कलर तो अब हम एडल्ट से स्टार्ट करते हैं एक एडल्ट बॉम्बिक्स मोराई जो सिल्क वर्म सिल्क मोथ जो होगा वो कैसा होगा 2.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है उसकी और पेल क्रीमी व्हाइट कलर का होता है इनका इनका कलर कैसा होता है पेल क्रीमी व्हाइट कलर द moth इज यूनिसेक्शुअल इन नेचर एंड डज नॉट फीड ड्यूरिंग इट्स वेरी शॉर्ट लाइफ पीरियड ऑफ टू थ्री डेज अब ये आप ध्यान देना कि सिल्क वर्म्स जो होते हैं सिल्क मॉथ जो होता है या अभी हम इसे क्या कहेंगे बॉम्बिक्स मोराई बोलेंगे ये जो होता है ये अपनी पूरी लाइफ में केवल एक ही बार पेट भर के खाना खाते हैं ये एक ही बार ये फीडिंग करते हैं और वो कौन सी स्टेज होती है कैटोपीलर स्टेज जिसे हम सिल्क वर्म कहते हैं उसके अलावा फ्रेंड्स ये कभी भी फीडिंग नहीं करते कभी भी ये अपना खाना नहीं खाते हैं न्यूट्रिशन ये नहीं लेते हैं किसी और चीज़ से किसी और टाइम पे जैसे कि सिल्क वर्म्स जो होते हैं सिल्क मौथ जो होते हैं उनके टाइम शॉर्ट पीरियड ही होता है इनका लाइफ का ये जो स्टेज जो होता है जिसमें हम जैसे कहते हैं ना बटरफ्लाई मौथ जो होता है वो उनकी लाइफ का बहुत शॉर्ट लाइफ पीरियड है मुश्किल से दो तीन दिन का होता है और इस टाइम पे इन्हें दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज करनी होती है बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस एक्ट करना होता है तो वो उसमें बिजी रहते हैं लाइक like, वो यूनिसेक्सुअल होते हैं इट मीन मेल एंड फीमेल अलग अलग मौत होंगे जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करेंगे तो सबसे पहले अब एडल्ट बॉम्बिक्स ये तो स्टार्टिंग कहा से होगी फर्टिलाइजेशन से ओके सो जस्ट आफ्टर इमरजेंस इमरजेंस मींस कहाँ से इमर्ज हुए प्यपा से प्यूपा के बाद आता है हम पूरा एंड में मैंने डायग्राम बना रखा है ड्रॉ कर रखा है मैं आपको उसको एंड में शो करूंगी ओके सो जस्ट आफ्टर इमर्जेंस जैसे ही वो प्यूपा से इमर्ज होते हैं बाहर आते हैं मेल मॉथ कॉप्यट्स विद द फीमेल फॉर अबाउट टू थ्री आवर्स सो टू थ्री आवर्स तक जो मेल मॉथ होता है वो फीमेल मॉथ और इन दोनों के बीच में कॉप्युलेशन या मैटिंग प्रोसेस चलती है टू थ्री आवर्स तक इट मीन्स इसके बाद क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा ये इस टाइम पे फीड नहीं करते हैं टू थ्री डेज अभी हमने देखा क्योंकि इन्होंने इनकी लाइफ का पूरी तरह से जो इनको न्यूट्रिशन लेना था जितना भी इनको फीडिंग करनी थी वो सिल्क वम्प्स के टाइम पे उस स्टेज पे उन्होंने कैटोपिला स्टेज पे ही कर ली थी ओके नाउ जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है फीमेल बॉडी में तो उसके बाद क्या होगा एग ले फ्रेंड्स मैंने बहुत अच्छे से प्लीज आप इन नोट्स को नोट डाउन करना सेरिकल्चर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है ये बहुत ईजी है जितने भी टॉपिक्स है ये आपके बी एस सी सेकेंड से ईयर का भी है का जो एक जो इकोनॉमिक जूलॉजी उसका पार्ट है उसका एक बहुत बड़ी यूनिट है इसकी तो ये आपको ये बहुत ईजी यूनिट है बट इसको आपको बस अच्छे से समझना है और इसके अच्छे से आपको नोट्स प्रिपेयर करने ये फ्रेंड्स मैंने इतने पॉइंट टू पॉइंट हर एक छोटे छोटे पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है तो अगर आप इन नोट्स को नोट डाउन करते हो तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर ओके सो जो फर्टिलाइजेशन हो गया तो नेक्स्ट क्या होगा एग लाइन एग्स बनेंगे एंड एग्स प्रोड्यूस होंगे एंड एग्स, लेंग एग्स लेंग की प्रोसेस चलेगी अंडे देने की कौन फीमेल मौत जस्ट आफ्टर फीमेल एग इज कॉप्यो नेक्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स के अंदर जो फीमेल मॉथ होता है वो क्या करता है जस्ट कॉप्य के बाद एग लेंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है ओके ना वन मॉथ लेड टू फाइव हंड्रेड एग्स डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड द सप्लाई ऑफ

सिल्क इस स्टेज पे खाना नहीं खाते तो ये खाने की कौन से न्यूट्रिशन की बात हो रही है तो ये उसकी बात हो रही है कि जब वो मौत स्टेज पे था उस तब उस ने उस तब फीमेल ने स्टेज में कितना ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया आ, कितना ज्यादा न्यूट्रिशन उसने ऑप्टेन किया उस न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग उस फूड मटेरियल के सप्लाई के अकॉर्डिंग और क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग इन दोनों पर डिपेंड करता है मौत के एग लैंग ओके okay?

कवर्ड रहते हैं इट मींस बहुत सारे एग्स को एक जिलेटिनस मैट्रिक्स टाइप एक जिलेटिनस कवरिंग होती है उन सारे एग्स को साथ में रखती है जिससे वो एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं ओके okay, तो ये तो हो गई हमारे एग लेइंग नेक्स्ट जो आता है देन एग्स अब एग्स का क्या हुआ एग्स हो गए लेड हो गए सो द एग्स लेड बाय द फीमेल मॉथ अराउंडेड एंड वाइट इन कलर सो जो एग्स जो होते हैं फ्रेंड्स वो कैसे होते फीमेल मोत के वो व्हाइट कलर के होते हैं एंड राउंडेड होते? होते हैं ऑब्वियसली जैसे दूसरे एग्स होते हैं विद्रीज इन टाइम आफ्टर लिविंग एग्स बिकम डार्कर एंड डार्कर डे बाई डे एंड देन जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाता है उसके बाद के बाद तो धीरे-धीरे जो एग्स होते हैं उनका कलर डार्कर होना स्टार्ट हो जाता है ना दिन बाय दिन जैसे डे बाय डे कैसे होते हैं एग्स डार्क होने स्टार्ट हो जाते हैं उनका कलर डार्क होना स्टार्ट हो जाता है देन नेक्स्ट आता है जिक. अब एग्स हो गए इंक्यूबेशन होगा

ओके हैचिंग मोस्ट इंपोर्टेंट फेज ऑफ सिल्क मोत्स लाइफ और फ्रेंड्स हैचिंग है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज है लाइफ का क्योंकि यही तो फेज है जिस फेज में उन्हें अपने पूरी लाइफ का एक बार में खाना खाना है इसी टाइम पे इनको फीडिंग प्रोसेस है इसी टाइम पे इतने वॉरिशियसली फीड करते हैं इसलिए इन्हें वॉरिशियस फीडर भी कहा जाता है

प्रॉपर सप्लाई ऑफ मलबेरी लीफ इज नॉट पॉसिबल द डेवलपमेंट ऑफ कैटरपिलर वुड नॉट बी इन प्रॉपर कोर्स अगर प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी मलबेरी लीव की अभी हम बॉम्बिक्स मोराई पढ़ रहे जो मलबेरी लीव पर फीडिंग करता है तो अगर मलबेरी लीव अगर प्रॉपर अमाउंट में नहीं आई पॉसिबल नहीं हुई देन डेवलपमेंट जो होता है कैटोपीलर का वो प्रॉपर कोर्स में प्रॉपर जैसे उसकी कंडीशन प्रॉपर जो ढंग से जैसे तरीके से होता है वैसे नहीं हो पाएगा समटाइम्स ड्यू टू लैक ऑफ फूड मटेरियल यंग कैटोपील डाय

500x एक्स उस उसमें से नेक्स्ट रिबॉन्ड होंगे तो आप समझ सकते हो एक से ही कितनों का नुकसान हो गया तो एक सिंगल कैटरपिलर भी अगर डेड हो जाता है तो उससे सैरिकल्चर इंडस्ट्री को बहुत ही बड़ा लॉस होता है ओके okay? अब नेक्स्ट है कैटरपिलर सो द न्यूलीटापिलर इज अबाउट जीरो पॉइंट थ्री सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज पेलो इश वाइट इन कलर अब जो न्यूलीटापिलर जो होता है लार्वा वो कैसा होता है जीरो पॉइंट थ्री सेंटीमीटर तक होती है इसकी लेंथ और कैसा होता है पेल येलो इश वाइट इन कलर होता है इसका कलर ओके नेक्स्ट इज द कैटापिलर इज ट्वेल्व सेगमेंटेड एंड द एबनोमिनल रीजन हैजन सेगमेंट है So, अब ये में मैंने क्या किया है शो किया एबडोमिनल रीजन okay? so, 12 12 में, में ही टेन सेगमेंट्स होते हैं और बाकी के दो सेगमेंट्स में उनका हेड आ गया एन पॉइंट आ गया तो आ, वो आगे आ गया ठीक है तो टू सेगमेंट्स segment, को हटा दो तो टेन सेगमेंट्स तो एबडोमल रीजन के ही होते हैं जिनमें फाइव पेयर्स ऑफ सुडो लेग्स होते हैं सूडो मीन्स फॉल्स लेग्स फॉल्स लेग्स मीन्स क्या होगा वो लेग्स नहीं है ट्रू लेग्स नहीं है इट मीन्स वो बाद में नेक्स्ट जनरेशन में ड्यू टू मेटामोफोसिस इंसेक्ट्स में एम्फीबियंस में आपको पता है मेटामोफोसिस होता है चेंजेस आते बॉडी डेवलपमेंट तो उस मेटामोफोसिस में लेग्स हट जाते हैं आगे अभी हम आगे पढ़ेंगे तो ये सूडोलैग्स लेग्स नहीं होते बट इन्हें मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं हम डायग्राम में देखेंगे आपको पता चलेगा ओके इट इज प्रोवाइडेड विथ वेल डेवलप्ड मैंडिबुलेट टाइप ऑफ माउथ पार्ट एडेप्टेड टू फीड इजीली अब इनके साथ इनमें क्या होता है एक डेवलप्ड इजिली मैंटिपुलेट टाइप इट मीन ईजीली वो खा सके उनके एकदम ईजीली फीड कर सके ऐसे माउथ पार्ट्स होते हैं जो वो हेल्प करते हैं उनको फीडिंग में ओके okay, खाने में इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद स्मॉल डोरसल हॉर्न ऑन द एनल सेगमेंट और उनका जो एनल सेगमेंट होता है ओके एनल सेगमेंट मीन्स एनल जहाँ सिचुएटेड होता है उस जगह पे उनके एक डॉर्सल हॉर्न uh, होता है dorsal means, dorsal and ventral position आपको पता है है, है तो dorsal position पे एक होता होता और वहीं उनका एनस प्रेजेंट होता है, पे ही एक डॉर्सल हॉर्न प्रेजेंट होता है ओके okay? लाइक like, मैं आपको डायग्राम एक बार शो करती हूँ आप देखना लाइक दिस इज द डायग्राम ऑफि कैटोपीलर और सिल्कॉम जिसमें ये हेड हो गया ये हमारे सेगमेंट से टेन सेगमेंट्स थोरेसिक ट्रू लेग्स ये और ये है हमारे ये सारे ये और ये जो है वो क्या है ये ये हमारा 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 है और एनल में इस इस एनस और ये हो गया गय? so, डायग्राम हम फिर से इसे देखेंगे बाद में ना एस दे आर वॉरिशियस फीडर्स दे ग्रो रेपिडली इट टेक्स अबाउट ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी फाइव डेज आफ्टर हैचिंग अब बहुत वॉरिशियस फीडर्स होते हैं इट मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा फीड करते हैं उन लीव्स पर क्योंकि उन्हें लाइफ में इसी टाइम पे ही एक बारी उनको फीडिंग करनी है ओके okay? सो so वो बहुत जल्दी बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और 21 से 25 डेज में हैचिंग के बाद ही वो आ, किस में अपनी नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं द फुल ग्रोन कैटापिलर इस

उसका प्रोडक्शन तो अब स्टार्ट होता है क्योंकि फुली ग्रोन जब कैटरपिलर बन जाता है उसके बाद उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स डेवलप होती है फ्रेंड्स सलाइवरी ग्लैंड्स ही हैं जो सलाइवा सीक्रेट करेंगी और वो ही तो होता है जिससे हम सिल्क कहते हैं वो एनवायरमेंट में आकर के बहुत हार्ड हो जाता है और जिसे देन फर्दर प्रोसेस के बाद आ, इंडस्ट्री में हम सिल्क में का प्रोडक्शन करते हैं उसके थ्रू तो जब सलाइवरी ग्लैंड्स उनमें डेवलप हो जाती है फीडिंग करना वो अब स्टॉप कर देते हैं और फिर प्यूपेशन प्यूपेशन मीन्स प्यूपा बनने की को बनने का जो प्रोसेस है तो उसमें जो उस स्टेज में वो जाने के लिए रेडी हो जाते हैं सो नेक्स्ट इज प्यूपा द कैटापिलर स्टॉप फीडिंग एंड मूव टूवर्ड्स कॉर्नर

सिचुएटेड होता है जिसको हम स्पिनरेट बोलते हैं और उस स्पिनरेट में से वो फ्लूड वो बाहर आता है वहां से सिक्रीशन होता है जब एक छोटे से पोर में से आएगा तो वो कैसे आएगा एक धागा हो ना एक थ्रेड है उस थ्रेड की तरह वो जो फ्लूड होता है वो बाहर आता है एंड टेक्स द फॉर्म ऑफ लॉन्ग फाइन थ्रेड ऑफ सिल्क एक लॉन्ग फाइन थ्रेड ऑफ सिल्क की तरह वो बाहर आता है विच हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड रेप्ड अराउंड द बॉडी ऑफ द कैटापिलर इन द फॉर्म ऑफ अ कवरिंग कॉल्ड एस कोकून और फिर बॉडी अब ये क्या करता है कि वो वही लॉन्ग फाइन थ्रेड की तरह बाहर आता है और बाद में वो हार्डन हो जाता है जब वो एयर के एक्सपोजर में आता है पहले तो वो सलाइवा ही है एक फ्लूइड है बट वो जैसे ही एनवायरमेंट के पास आता है तो एनवायरमेंट बाहर के एनवायरमेंट की वजह से एयर के एक्सपोजर हवा में आने से वो हार्ड हो जाता है ओके और अपने ही बॉडी के चारों तरफ इट मीन वो फ्लूड जो सीक्रेट हो रहा है वो कैटरपिलर उसी की बॉडी के, के चारों तरफ वो जमना रैपिंग स्टार्ट हो जाती है बॉडी के, के चारों तरफ उसको बांध देता है रैप कर लेता है उसकी पूरी बॉडी को और फिर फॉर्मेशन होता है कोकून का अब फ्रेंड्स ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कोकून क्या होता है और प्यूपा क्या होता है तो फ्रेंड्स नो no डाउट ये एक ही चीज है प्यूपा और कोकून सेम होता है कुछ नहीं अलग है प्यूपा केवल एक सिंगल कवरिंग होती है कोई भी कैटरपिलर है उसके ऊपर जो फर्स्ट कवरिंग है उसके चारों तरफ की उसको प्यूपा बोलते हैं दूसरे बटरफ्लाइज और कितने इंसेक्ट्स होते हैं जिनमें सब में ही ये प्रोसेस होती है कैटरपिलर कैटरपिलर प्यूपा एंड देन 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 एडल्ट एग्स यही उनकी लाइफ साइकिल होती है सो so, प्यूपा तो सब में ही बनता है बट इनमें क्या होता है वो सिक्रेशन ज्यादा होता रहता है होता रहता है और उसकी वजह से वो कवरिंग पहली कवरिंग के बाद भी बहुत सारी कवरिंग्स आ जाती है एक तरह से जैसे प्यूपा का बेड बन गया हो वैसे हो जाता है उसे हम कोकून कहते हैं ओके इसलिए कंफ्यूज मत होना कि कोकून और प्यूपा में डिफरेंस क्या है सो so, ना कोकून कोकून इज द व्हाइट कलर बेड ऑफ द प्यूपा मैंने जो अभी कहा कि जो कोकून क्या होता है व्हाइट कलर बेड है प्यूपा का प्यूपा के चारों तरफ और बहुत सारे सर्कल्स uh, circles, ये बंधे हुए रहते हैं हुज़ उटर थ्रेड आर इेगुलर वाइ द इन थ्रेड आर रेगुलर अब कैसे होते हैं जैसे कि आपने कभी भी कोई भी थ्रेड का आ, कभी भी आपने गोला थ्रेड को लपेटा हो या कभी भी ऐसा किया हो तो आपको पता होगा कि थ्रेड अंदर से तो एकदम रेगुलर रेगुलर पैटर्न में थ्रेडिंग होती है और बाहर जो होती है आउटर थ्रेड होते हैं वो इरेगुलरली टेढ़े मेढ़े अपने आ, हमको दिखते हैं ओके राउंड सर्कल दिखते हैं ऑफ देंटिन्यूस थ्रेड बाय द कैटरपिलर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोकून इज अबाउट थाउजेंड टू ट्रेड मीटर रिक्वायर्स डेज टू अब ये जो लेंथ होती है कंटिन्यूस की तो आप सोच लो एक ही कैटरपिलर से जो वो कोकून बनाया उस एक कोकून की कितनी होगी फॉर्मेशन में जितना उसने वो सीक्रेट किया है तो वो होती है कम से कम थाउजेंड से टू हंड्रेड ट्वेल्व हंड्रेड मीटर तो आप समझ लो वन किलोमीटर से ज्यादा इतनी लेंथ होती है जो अपनी पूरी बॉडी के चारों तरफ वो कवर करता है विच रिक्वायर्स थ्री डेज टू कम्प्लीट और इसको कोकून फॉर्मेशन तक थ्री डेज लगते हैं कैटरपिलर को ओके इट इज एस्टिमेटेड दैट वन पाउंड ऑफ सिल्क कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड कोकून ओ माई गॉड सो आप सोचो फ्रेंड्स ये हम बाद में नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे कि ये इकोनॉमिक इसकी इंपॉर्टेंस और इससे नुकसान क्या है हमारे एनवायरमेंट में मतलब आप सोचो 2500 कोकून्स मींस क्या हुआ 2500 ऑर्गेनिजम्स सिल्क वर्म्स उतने ही इतने सिल्क वर्म्स को इतने कोकून्स को जो मारते हैं तब जा करके हमें सिल्क मिलता है सो so, वन अगर हम 2500 कोकून्स का अगर का अगर हम वेट देखें तब जाकर के इनका हम अगर सिल्क निकाले तब जाकर हमको मुश्किल से वन पाउंड सिल्क हमको uh, मिलेगा ओके एस्टिमेटेड वैल्यू है ये लगभग द प्यूपल पीरियड लास्ट फॉर टेन टू ट्वेल्व डेज एंड द प्यूपे कट द कोकून एंड इमर्ज इन टू एडल्ट मॉथ अब ये प्यूपर पीरियड कितने दस से बारह दिनों तक रहता है एंड देन प्यूपे जो होता है प्यूपे मीन प्लूरल वो जितने भी प्यूपा होंगे वो तो सारे कट हो जाते हैं उनका कोकून के एक कॉर्नर से कट होते हैं वो कोई भी एंड हो सकता है Uh, कोई भी एंड हो सकता है किसी भी एंड से वो कट हो जाते है, और वहां से एडल्ट मॉथ जो होते हैं वो इमर्ज हो जाते हैं न इमर्जेंस ऑफ इमेगो इमेगो मीनस दैट मॉथ उन्हीं को ही एडल्ट मॉथ को ही इमेगो बोलते हैं ड्यू टू एक्टिव एक्टिव मेटामोफोसिस तो मैंने बताया मेटामोफोसिस प्रोसेसिस होती है इनमें सडन uh, चेंजेस जो होते हैं इनकी बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं like में, में भी होता है, आपने में पढ़ रखा होगा so में अंदर इनमें मेटामोफोसिस होता है प्यूपल पीरियड जो प्यूपा के अंदर ये होते हैं वहां उनमें मेटामोफोसिस चेंज होते हैं मेटामोफिस मीन्स आपको पता ही होगा ऑब्वियसली आपने सेवंथ एट्थ में पढ़ा होगा कि कैटा तो कैसा दिखता है और वो Uh, जो डेवलप होकर के जो मौत में बदल रहा है दोनों में बिल्कुल ही अलग है दोनों ओके सो दैट इज चेंजेस। देर एंड टू पेयर्स ऑफ विंग्स डेवलप तो इस मेटामॉर्फिक चेंजेस में एक तो चेंज क्या आता है कि जो एब्डोमिनल रीजन पे इनके लेग्स प्रेजेंट थे वो डिसअपियर हो जाते हैं हट जाते हैं और उसकी जगह टू पेयर्स ऑफ विंग्स डेवलप टू पैर विंग्स के टू पैर डेवलप हो जाते हैं द सिल्क वम विद इन द कोकून सिक्रीट एन एल्केलाइन फ्लूड टू मॉइस्टन इट्स वन ऑफ इट्स एंड अब क्या होता है जो सिल्क वम जो होता है मतलब अंदर अभी प्यूपा के अंदर की बात हो रही है कि उसके कोकून के अंदर जो सिल्क वम होगा वो क्या करता है एल्केलाइन फ्लूड सिक्रीट करता है ओके okay, एक सिक्रीशन होता है उसके मुंह से उसके माउथ से

Next is finally a hole is formed through which a feeble एडल्ट मोथ स्क्विज आउट ऑफ द कोकुन और फाइनली एक होल बन जाता है जहाँ से जो एडल्ट मोथ होता है वो स्क्वीज़ आउट हो जाता है बाहर की ओर आ जाता है कोकुन से ओके okay, फ्रेंड्स तो ये था बहुत इजी और मैंने बहुत आराम आराम से धीरे धीरे से ही आपको इसको फ्रेंड्स बताया है फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं नाउ लाइफ हिस्ट्री ऑफ बॉम्बिक्स मोराई का हम डायग्राम देख ले सो दिस इज मे एडल्ट मेल एंड दिस इज एडल्ट फीमेल मैं आगे भी वीडियोस में आपको बताऊंगी जब हम सरिकल्चर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स पढ़ेंगे अभी हमने कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो वो तो उनकी प्रोसेस चलती रहेगी वो तो लाइफ हिस्ट्री है उनकी बट हमें उस सिल्क को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमको लोगों को ही तो कुछ करना होता है इंडस्ट्री में तो हम नेक्स्ट वीडियोज में वो पढ़ेंगे तो आपको ये होना चाहिए कि एडल्ट मेल और एडल्ट फीमेल में फीमेल जो होती है वो कभी उड़ती नहीं है एडल्ट फीमेल बैठी बैठी हुई रहती है हमेशा और एडल्ट मेल होते हैं वो उड़ आ, उड़ जाते हैं हल्के होते हैं और ये थोड़ी सी दोनों में कंपैरिजन करो तो ये थोड़े वेटेड होते हैं और ये हल्के होते हैं लाइट होते हैं अब इन दोनों में जब पॉपुलेशन होता है तो उसकी वजह से क्या होगा जिलेटिनस मैट्रिक्स एक है जिलेटिनस फ्लूड के अंदर सारे फोर टू फाइव एग्स रिलीज होंगे देन ये सब किसमें कन्वर्ट होंगे डेवलप होकर के बनाएंगे जिसे केम कहते हैं ये फ्रेंड्स कोकून बनाते हैं दोनों कोकून अपने चारों तरफ प्यपल स्टेज पे कोकून आएंगे और अगर कोकून को हम आधा कट कर दे तो ये कोकून कट ओपन है कट करेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा ये प्यपा और प्यूपा के अंदर ये रहा हमारा जो सिल्क वम था जो डेवलप्ड हो रहा है इसमें मेटामॉर्फिक चेंजेस चल रहे हैं एंड देन वापस से हमारे पास एडल्ट मेल एंड एडल्ट फीमेल मौत आ जाते हैं ओके सो इट वॉज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मलबेरी सिल्कवम्स बॉम्बिक्स मोराई। सो फ्रेंड्स अगेन अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस टॉपिक से रिलेटेड सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स आई रिप्लाई यू इमीडिएटली। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स डू लाइक शेयर कमेंट माई वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन वेन आई अपलोड न्यू वीडियो थैंक यू फ्रेंड्स बाय